मौका भी है, दस्तूर भी है, हीना और नैतिक संग पूरी फैमिली भी है। आज चांद भले ही आसमान में हो, लेकिन सितारों की ये महफिल जरूर फलक से उतर आई है। अपने ऑन स्क्रीन फैमिली के साथ हीना रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी का मजा ले रही हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि प्रोड्यूसर राजन शाही की तरफ से दी हुई पार्टी का मजा ले रही हैं। यस, फाइनली बहुत टाइम से पेंडिंग थी ये पार्टी। हम बहुत टाइम से प्लान बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं बन रहा था। कभी मैं नहीं थी अवेलेबल, कभी सर बाहर चले गए थे, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा था। बट फाइनली इट हैपेंड टुडे और बहुत अच्छे से हुआ, बहुत ग्रैंड तरीके से। आई रियली लाइक दैट पहली बार हम सब जितने भी एक्टर्स हैं या फिर टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियंस हैं, यहाँ तक कि जितने भी यूनिट के बाकी लोग हैं, सब लोगों ने एक साथ बैठ के इफ्तारी की। आई रियली लाइक इट। वैसे आपको बता दें कि जहां एक ओर हीना इस इफ्तार पार्टी का मजा ले रही हैं, वहीं दूसरी ओर सेल्फी लेने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। लगता है इन पर सलमान के सेल्फी का बुखार कुछ ज्यादा ही छाया है। तभी तो देखिए ना, कैसे खुद तो सेल्फी ले ही रही हैं और बाकियों को भी सेल्फी लेने के लिए कह रही हैं। ले सेल्फी ले, ईद पे अभी बजरंगी भाई जान आ रहे हैं, तो ईद पे कपड़े पहन के आप लोग भी सेल्फी लेना और ईद मनाना। तो देखा आपने, इन पर तो फुल भाईजान यानी कि सलमान का फीवर चढ़ा हुआ है। वैसे जब बात ईद के मौके की है, तो हीना अपने फैंस को ये भी बता दीजिए कि आखिर इस ईद पर आपके क्या प्लान्स हैं? इस बार आप ईद किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली हैं? ट्रस्ट मी, आई एम वर्किंग ऑन ईद। मैं इतना ही कहूँगी, मैं जो भी मुझसे पूछ रहा है, मैं ये कह रही हूँ दैट आई एम वर्किंग ऑन ईद दिस टाइम सिंस आई एम नॉट अवेलेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसलिए मैं ईद पर काम कर रही हूँ, और जितना आपको पर्सनली आपको अपनी फैमिली को टाइम देना पड़ता है, उतना काम को भी देना पड़ रहा है। इसलिए मुझे ईद के दिन शूटिंग करनी पड़ेगी। बट यू ऑल हैव फन एंड आई हैव योर लव एंड दैट्स हाउ आई विल सेलिब्रेट माय ईद। आई विल बी हियर, बट फिर भी हम लोग खाएंगे, पियेंगे, ऐश करेंगे। कोई बात नहीं हीना, अपने रियल लाइफ ना सही तो एटलीस्ट रियल लाइफ फैमिली के साथ ईद को इसी तरह एंजॉय कीजिए। वेल, हमने तो इनके इस इफ्तार पार्टी और सेल्फी वाले मोमेंट को खूब एंजॉय किया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए हमें बताना ना भूलना।